और वित्त मंत्री दिया कुमारी को आप सुन रहे थे बजट को लेकर के। वहीं टोंक में न्यूज 18 राजस्थान की खबर को लाइव देखा गया। बजट का पूरा कार्यक्रम लोगों की तरफ से मदरलैंड स्कूल में बीजेपी जिला अध्यक्ष अजीत सिंह मेहता समेत शिक्षा और टैक्स से जुड़े एक्सपर्ट और बीजेपी के पदाधिकारियों के साथ साथ कार्यकर्ताओं ने भजनलाल सरकार का पहला पूर्ण बजट देखा और राजस्थान को आगे ले जाने वाला बजट इसे बताया। बजट को लेकर टोंक के हमारे संवाददाता दौलत पारिक ने बीजेपी के जिलाध्यक्ष अजीत सिंह मेहता समेत बाकी लोगों से भी बातचीत की है। भजनलाल सरकार का पहला पूर्ण बजट आज वित्त मंत्री दिया कुमारी ने विधानसभा में पेश किया और टोंक में यहां बीजेपी जिलाध्यक्ष अजीत सिंह मेहता समेत तमाम जो लोग हैं उन्होंने बजट को देखा। किस तरह का बजट रहा, पहली प्रतिक्रिया जानते हैं, कैसा रहा आज का बजट? आज राजस्थान में भजनलाल सरकार का पहला बजट है, वो अपना बजट विकसित राजस्थान का रोडमैप तैयार करने वाला बजट, एक आम आदमी को छूने वाला बजट है। निश्चित आज जिस तरह के बजट को हर वर्ग को जिस तरह का लाभ देने की कोशिश की है, चाहे युवाओं को, महिलाओं को, बुजुर्गों को, किसान को, मजदूर को, हर वर्ग की चिंता करके जो आज बजट पेश किया गया वो निश्चित अपने आप में बहुत अद्भुत है। बीजेपी जिलाध्यक्ष के लिहाज से ये बजट है वो बहुत अच्छा बजट है। कुछ और लोग हैं हमारे साथ बात करते हैं, टैक्स से जुड़ी हुई कई चीजें आप नोट कर रहे थे और लगातार आप बजट देख भी रहे हैं, किस तरह की राहत देने की कोशिश की गई है आज इस बजट में? जो बहुप्रतीक्षित वेट से संबंधित जो कई तरह की डिमांडें और शास्तियाँ यहाँ पे डिपार्टमेंट की तरफ से व्यापारियों के लिए रखी गई थी, तो उसमें बहुत बड़ा फायदा सरकार ने दिया है कि अगर वो 20% की राशि 31 दिसंबर तक जमा करा देते हैं तो संपूर्ण कर राशि जो है वो माफ़ कर दी जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा व्यापारियों के लिए एक अच्छा काम किया है सरकार ने। बिल्कुल, जनप्रतिनिधि पूर्व प्रधान खेमराज जी भी हमारे साथ हैं, कैसे किस तरह से देखते हैं बजट को? बजट बहुत ही बढ़िया है, पूरे राजस्थान में हर वर्ग को बजट छुआ है और एक विशेष जनप्रतिनिधियों के लिए कि पूरे राजस्थान में एक राज्य एक चुनाव, कि पंचायत राज का जो भी चुनाव आएगा वो सब एक साथ होगा। पहले अलग अलग होता था सरपंच का, सीआर का, जिला परिषद सदस्य का, ये बहुत ही अच्छी है जिससे बजट का जो नुकसान होता था वो नहीं होगा और सब वर्ग के लिए अच्छा बजट है ये पूरे राजस्थान के लिए। कुल मिलाकर सभी की ओर से अगर देखा जाए तो पूरे राजस्थान के लिहाज से, सभी वर्गों के लिहाज से और सभी मुद्दों को वित्त मंत्री दिया कुमारी ने छुआ है और फिलहाल ये जो राजस्थान का बजट है ये राजस्थान के को यानी आगे ले जाने वाला बजट दिखाई दे रहा है। न्यूज 18 राजस्थान, दौलत पारिक, टोंक। तो खबरें अभी और भी, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होते हैं।